और भारतीय सेना में अपनी अलग पहचान रखने वाली 18वीं कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने अपना 48वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। वहीं इस स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सेना में बिताए गए पलों को याद किया और 18 कुमाऊं रेजिमेंट के गौरवशाली यादों को भी साझा किया। इसके साथ ही सभी पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी क्रम में स्थापना दिवस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने कहा कि जनवरी 1976 को भारतीय फौज में 18 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट के 13 सदस्यों ने सुंदर ढूंगा घाटी के दुर्गाकोट चोटी को फतेह किया था। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरे 18 कुमाऊं के भूतपूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं क्योंकि इस दिन 18 कुमाऊं रेजिमेंट का एक स्थापना दिवस माना जाता है। कुमाऊं मंडल की एक महत्वपूर्ण बटालियन 18 कुमाऊं है। इसने कई अवार्ड जीते हैं श्रीलंका। जैसे कि इससे पहले साहब ने बताया था पलटन के दिवस के बारे में, इस बीच में हमारी यूनिट ने अरुणाचल और ये जो अंडमान निकोबार। जय हिंद राम राम। आज हम बैंक्वेट हॉल हल्द्वानी में एक इकट्ठे हुए हैं। वीर पलटन का हमारा स्थापना दिवस है। ये जो मेरे साथ में दिखाई दे रहे हैं सभी लोग हम एक ही यूनिट के हैं और एक ही परिवार के हैं, और जैसा कि एक फौजी माहौल हम रहे हुए इकट्ठे। आज हम 18 कुमाऊं के सभी भूतपूर्व सैनिक हल्द्वानी रीजन के यहाँ पर 18 कुमाऊं के 48वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। हमारी यूनिट 1 जनवरी 1976 को रानीखेत के मजखाली नामक स्थान